सो है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल लक्ष्मी। तो आज मैं हो रही हूँ बोर और सोची कि क्या करूँ क्या करूँ। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि चलिए आपके साथ आज सुबह का ब्रेकफास्ट ही शेयर कर देती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इडली। तो चलिए मैं आपको इडली की रेसिपी शेयर करती हूँ, आप लोग देखिए कैसा बना है और कोशिश करूँगी कि अच्छा ही मतलब बने और खा के इनमें आपको बताऊँगी। तो देखिए, तो यहाँ मैंने रात में ही चावल और उड़द का दाल भिगो दिया था, जिसमें मैंने चावल 2 गिलास लिया था और उड़द दाल 1 गिलास। तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं आपको कितने मेंबर्स के लिए बनाने हैं। तो यहाँ हम लोग 5 फैमिली है तो उसके लिए हमने बनाया है। तो यहाँ मैं इसको वॉश कर रही हूँ, अच्छे से इसको वॉश करके क्लीन कर लेना है, एक भी गंदा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ मिक्सर में लेके इसको बारीक महीन एकदम पीस लेना है। तो देखिए यहाँ मैं इसको पीसूंगी। यहाँ मैं हल्का सा पानी भी इसमें ऐड करूंगी, क्योंकि ये डायरेक्ट पीसने पर ये नहीं पीसेगा, थोड़ा हार्ड होता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पीस ली और यह देखिए बैटर इसका तैयार हो गया। कितना अच्छा लग रहा है देखने से ही। और ऐसे ही हम जितने थे दाल और चावल सारे को मैं पीस लूँगी अच्छे से। देखिए यहाँ मेरा सारा बैटर पीस चुका है और इसमें हम यहाँ बेकिंग सोडा डालेंगे, जिससे थोड़ा स्पंजी अच्छा मतलब बनता है। तो यहाँ हम इसको मिला दिए हैं और ये हमारा बैटर तब तक तैयार हो गया है। इसके बाद हम चले इधर चटनी बना देते हैं। तो यहाँ हम बादाम की चटनी बनाएंगे, आपको जो पसंद है आप वो चटनी बना सकते हैं, जैसे नारियल की या फिर सांभर वगैरह, जो भी आपको इच्छा हो बना सकते थे। यहाँ मुझे बादाम की चटनी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहाँ बादाम की चटनी बना रही हूँ। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, इसमें कुछ डालना नहीं है, बस बादाम को डाल देना है और उसको धीमी आँच पर धीरे धीरे इसको चलाते रहना है ताकि ये जले ना। और थोड़ी देर बाद ये इसका जो छिलका है वो आपरूपी अलग हो जाएगा उससे। तो फिर इसको निकाल के थोड़ा सा ठंडा करके हम इसका छिलका भी उतार लेंगे, नहीं तो जब चटनी आप पीसिएगा तो वो थोड़ा काला काला दिखेगा तो अच्छा नहीं लगता है वैसे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम भूंज लेंगे और यहाँ देखिए थोड़ा सा लाल लाल हो भी गया है। और ये देखिए कुछ बादाम आपको दिख रहे होंगे जो टूट रहे हैं, यानी कि इसका छिलका अलग हो जाएगा। तो इसको हम फिर यहाँ निकाल लेंगे। और यहाँ हम देखिए मिक्सर में लहसुन मिर्ची और ये जो हम देखिए यहाँ छिलका निकाल लिए, उतना अच्छा से छिलका नहीं निकला है, आप चाहे तो उसको एक एक छिलका निकाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसको पीस लेंगे। जितना बारीक पीसिएगा अच्छा लगेगा, मोटा रहेगा तो दरदरा रहेगा तो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, एक ही बार मत डालिएगा नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है खाने में पतला रहेगा। तो देखिए ये पीस चुका है, अभी थोड़ा सा ये गाढ़ा लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी तब ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा खाने में। इसके बाद मैं इसमें छौंक लगाऊंगी, जिसमें मैंने सूखा मिर्चा और तिलहन और ऑयल डाला है, सरसों ऑयल, और इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड किया जाता है जो मेरे पास अभी था नहीं, तो इसलिए मैं यही 3 चीज़ इसमें ऐड की हूँ। और इसके बाद आप उसको इसमें छौंक लगा दीजिए। देखिए छौंक लगा दी मैं और ये देखिए कितना सुंदर देखने से लग रहा है। इसमें कड़ी पत्ता रहता तो और भी ज़्यादा सुंदर देखने से भी लगता और खाने में भी टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। और इसके बाद इसमें आप नमक अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद फाइनली चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसके बाद जो हमने बैटर तैयार किया था इडली बनाने के लिए, और ये है बर्तन इडली का। इडली का बर्तन अलग अलग डिज़ाइन में आता है तो मेरे पास ये वाला था।
और इसको कुकर में डाल के बनाना होता है। बहुत जगह होता है कि उसका मतलब अलग टाइप का डिज़ाइन होता है, तो अभी मेरे पास यही वाला है। तो देखिए, इसमें पहले सरसों ऑयल लगा देना है ताकि चिपके ना, और उसके बाद सारे में इडली का बैटर भर देना है। देखिए यहाँ मैं सब भर ली। उसके बाद यहाँ मैंने गरम पानी कुकर में डाल दिया है। ये उतना गरम पानी नहीं है, गरम पानी ऐसा होना चाहिए कि उबाल आए उसमें देखने से। ये अभी हल्का गरम है तो पूरा अभी मैं गरम करूँगी। देखिए पानी पूरा गरम हो चुका है और उसमें उबाल भी आने लगा है। और यहाँ देखिए मैं इडली इसमें रख दी हूँ और इसको मैं ढक के 6 से 7 मिनट तक पकाऊंगी। तो इसके बाद देखिए इडली मेरी तैयार हो चुकी है और देखने से बहुत ही अच्छी लग रही है। आगे मैं आपको खा के भी बताऊंगी। यहाँ देखिए ये कितना सॉफ्ट है, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये बहुत नरम और बहुत सॉफ्ट बना हुआ था और मैं आपको टेस्ट करके भी बता रही हूँ कि कैसा लगेगा। और खाने के बाद मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा।